नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में महात्मा बुद्ध को जोर की प्यास लगती है। महात्मा बुद्ध आनंद से समीप के किसी झरने पर जाकर स्वच्छ जल लाने के लिए कहते हैं। आनंद बहुत तेज गति से झरने पर जाता है, परंतु आनंद देखता है झरने का पानी स्वच्छ नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक बैलगाड़ी झरने से होकर गुजरी है। आनंद महात्मा बुद्ध के पास आकर पानी के अस्वच्छ होने की बात करते हैं तथा पीछे छूट गई नदी से पानी लाने के लिए कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद फिर उसी झरने पर जाओ और स्वच्छ जल लेकर आओ। आनंद उसी झरने पर जाता है, परंतु पानी को स्वच्छ नहीं पाता है और खाली हाथ महात्मा बुद्ध के पास लौट आता है। महात्मा बुद्ध आनंद को तीसरी बार फिर उसी झरने पर जाकर स्वच्छ जल लाने के लिए कहते हैं। आनंद फिर झरने पर जाता है, परंतु तीसरी बार भी आनंद देखता है झरने का पानी स्वच्छ नहीं है और आनंद तीसरी बार फिर खाली हाथ लौट आता है। महात्मा बुद्ध आनंद से एक बार फिर उसी झरने पर जाकर स्वच्छ जल लाने के लिए कहते हैं। आनंद फिर उसी झरने पर जाता है, परंतु अब की बार आनंद झरने का पानी एकदम स्वच्छ पाता है तथा आनंद आश्चर्यचकित होता है कि झरने का पानी इतना स्वच्छ कैसे हो गया। आनंद प्रसन्न मन से स्वच्छ जल लेकर महात्मा बुद्ध के पास लौटता है तथा पानी इतना स्वच्छ होने को आश्चर्य मानकर महात्मा बुद्ध से कहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। हमारे जीवन रूपी झरने को भी विचार रूपी बैलगाड़ियां रोज रोज गंदला कर देती है और हम दुखी होकर भाग खड़े होते हैं। परंतु आनंद, यदि हम जीवन रूपी झरने के शांत होने की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। हमारे विवेक रूपी चक्षु खुल जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं, और कहानी यदि अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। हाँ, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।